हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ और ये मेरा पहला आउटडोर शूट है। जब से लॉकडाउन हुआ है मेरे स्कूल बंद चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से मेरी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी है, तो आज मैं अपनी गाड़ी को लेकर आई हूँ ताकि इसको थोड़ा चलाया जाए और ये रनिंग कंडीशन में रहे। ऐसा ना हो कि खड़े खड़े इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और इसीलिए और मुझे अचानक से कहीं जाना पड़े और मैं देखती हूँ कि मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चलाने के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही जाइए कि आज का वीडियो अगर मैं कार से बना रही हूँ तो ये होने वाला है मेरी कार से रिलेटेड। जी हाँ, आज फ्रेंड्स मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने कार फ्रेंड से। जी हाँ, एक ऐसे फ्रेंड से जिसके बिना मैं ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करती। और मेरा एक ख़ास फ्रेंड है मेरा टायर इन्फ्लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लैक कैट कंपनी का है और मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेटर हो जो आपकी कार के टायर्स को इमरजेंसी में इन्फ्लेट कर सके। मैं शुरू में ड्राइविंग करने लगी थी तब मुझे हमेशा एक ही डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते मेरी कार पंचर हो गई तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, और अगर मुझे कहीं कोई कार मैकेनिक नहीं मिला टायर ठीक करने के लिए। और ऐसा भी होता है कि आपकी कार आपने स्टेपनी चेंज की और 10-15 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी फिर से पंक्चर हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने कार इन्फ्लेटर परचेज़ किया। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए जब से मैंने इसको लिया है मतलब सब कुछ इतना ईजी हो गया है। फ्रेंड्स, यदि आप एक फीमेल ड्राइवर हैं उस कंडीशन में तो ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ खड़े होकर के अपना टायर रिपेयरिंग करेंगे, और अगर आसपास कोई मैकेनिक ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आप देख चुके हैं कि कई ऐसे हादसे हुए हैं महिलाओं के साथ जो सिर्फ पंचर की वजह से ही हुए हैं, तो क्यों अपने प्रॉब्लम्स को हम खुद न्योता देते हैं, जबकि एक छोटा सा प्रोडक्ट हमें काफ़ी सेफ कर सकता है, हमारी फैमिली को सेफ करता है। हम रात को जा रहे हैं और हमारी टायर पंक्चर हो गया है तो हम किससे हेल्प मांगेंगे, हम किसी अननोन पर्सन पे कितना विश्वास कर सकते हैं, वो भी आज के सिनेरियो में जहाँ लोग चलती गाड़ियों को लुटवा लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं तो इस इन्फ्लेटर का यूज़ सिर्फ अपनी कार के लिए ही नहीं करती, अपनी बाइक, मोटरसाइकिल, बच्चों की साइकिल, उनके टॉयज, बॉल, स्विमिंग पूल सब इन्फ्लेट हो जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। मैं इसको आपको अपने कार के टायर को इन्फ्लेट करके दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपके टायर को अच्छे से इन्फ्लेट कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी टायर को इन्फ्लेट करने के लिए पहले मुझे करना होगा अपनी कार को बिल्कुल ही पंचर। तो फ्रेंड्स, तो ये है वो इन्फ्लेटर। इस नोज़ल को मैं करूँगी अपने टायर के नोज़ल से अटैच, और इस केबल को करूँगी मैं अपने कार के चार्जिंग सॉकेट से अटैच। फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी कार को कर दिया है स्टार्ट। कार के स्टार्ट होते ही इसमें जल जाती है लाइट। फ्रेंड्स, तो अभी इसका PSI 00 है और मैं इसको सेट करती हूँ, मैंने इसको सेट कर दिया है 39 पर, और मैं करती हूँ अब इसको ऑन। ऑन करने के लिए यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करते ही ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि PSI 24 हो चुका है, 25, और हमारा टायर भी काफ़ी ऊपर तक उड़ चुका है।
जैसे ही PSI 39 पे, जैसे मैंने इसको सेट किया था 39 पर, जैसे ही PSI 39 पर आएगा वैसे ही ये मशीन ले लेगी ऑटो कट। मतलब हमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अटैचमेंट करो और गेट फ्री, इट विल ऑफ ऑटोमेटिकली। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपनी पंक्चर टायर को इन्फ्लेट करके 40 किलोमीटर तक गई हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, कोई भी मुझे मैकेनिक नहीं मिला रास्ते में। हाँ, बीच में एक दो बार गाड़ी से उतर के मैंने अपने टायर को ज़रूर चेक किया कि वो ठीक ठाक कंडीशन में है या नहीं है, और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आराम से मैंने जहाँ मुझे जाना था अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के मैंने अपने कार के पंक्चर को निकलवा के ठीक करवाया। उस टाइम पर मेरे को, मुझे पता है कि अगर ये ना होता तो मैं कितना लेट हो जाती या कुछ भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ सकती थी। अब ये 39 होते ही आप देख सकते हैं कि ये हो गया है ऑटो कट। फ्रेंड्स, एक बार इन्फ्लेट करने के बाद ये थोड़ा सा हीट हो जाता है, बहुत मामूली सा, तो ये नॉर्मल है। कोई भी कॉपर मोटर जब चलती है थोड़ा सा तो वो हीट होती है, लेकिन इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये है ब्लैक कैट 12VDC मिनी एयर पंप हरक्यूलिस डीजी। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसका रेटेड वोल्टेज है 12VDC, मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर एंड रेटेड पावर 180 वॉट। मैक्सिमम प्रेशर इसका PSI हम सेट कर सकते हैं 100 तक। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कार्स, बाथटब और आपका बॉल्स, बलून, टायर, चाहे आप मोटरसाइकिल, स्कूटी में, सब इससे इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसके साथ 3 अटैचमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये इसका नोज़ल है टायर को इन्फ्लेट करने के लिए, लेकिन बॉल्स और ये स्विंग, इन सब को इन्फ्लेट करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के नोज़ल्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इससे मेरी तो कार है वैगनार 1000 CC, लेकिन इससे आप अपनी वैगनार, स्विफ्ट, यहाँ तक कि मैंने SUV कार के टायर को भी इन्फ्लेट किया है। मैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके कार के टायर की हवा निकल गई है और मैंने उनके अपने इन्फ्लेटर से जाके इन्फ्लेट किया है, क्योंकि पंचर कार को तो वो ले नहीं जा सकते, थोड़ी तो हवा होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं जा कर के खुद उनकी कार के टायर को इन्फ्लेट कर आई हूँ। मेड इन इंडिया है। सबसे अच्छी बात जो इस प्रोडक्ट की है वो ये है कि ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, मेड इन इंडिया है, जिस पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करूँ मैं इसके प्राइस की, तो इस पर जो प्राइस मेंशन है वो है 3275 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया और वहाँ मुझे अमेजोन से मिला है ये 1700 का विद डिस्काउंट। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं अमेजोन से, तो उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और कहूंगी कि फ्रेंड्स, आप कोई भी इन्फ्लेटर लीजिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप इसी कंपनी का लीजिए, लेकिन हाँ, परचेज़ करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उसकी मोटर कॉपर वाइंडेड हो। बहुत अलग अलग तरह की हल्की मोटर्स भी आती हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादा हीट हो सकती हैं, इतना अगर आप 104 टायर्स को इन्फ्लेट करना चाहो तो हो सकता है कोई कुछ परेशानी आपके साथ आए। लेकिन ये मेरी कॉपर बाइंडेड मोटर है और इसमें शिकायत का कोई मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, और मैं रेगुलर इसको यूज़ भी कर रही हूँ। जब से ये आया है मैंने बाहर पेट्रोल पम्प से हवा भरवाना ही बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इस प्रोडक्ट की जानकारी लगी है अच्छी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।